हे गाइस, तो मैं आ चुका एक नया व्लॉग लेके। अभी रात के बज रहे हैं एक, और मुझे इंटरेस्ट चढ़ा पिज़्ज़ा बनाने का। मतलब मुझे मन किया कि पिज़्ज़ा, कि मैं अंदर ऐसे, मतलब रात के 1 बजे एक तरह से लेटा हुआ था, रील देख रहा था, मेरे को नींद नहीं आती जल्दी, क्योंकि गाँव में मैं 3-4 बजे सोता था। तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था और रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे अचानक से लगी भूख और मैं गया किचन में। किचन में गया तो कुछ खाना खाने, और हम लोग अभी फ़िलहाल गाँव गए थे तभी मम्मी लोग को यूटेंसिल मार्केट में, और उधर से हम लोग ने लिया था पिज़्ज़ा मोल्ड और केक। हम लोग के घर पे है ओवन और माइक्रोवेव, और हम लोग को साथ में ना उसके साथ पिज़्ज़ा प्लेट और केक मोल्ड नहीं मिला था, तो हम लोग ने बाहर से लिया था। आई थिंक सो सब लोगों को बाहर से लेना पड़ता, मुझे पता नहीं, बट हम लोग को गिफ्ट किया था मामा लोग ने घर की पूजा की गाँव में कभी, तो हम लोग को नहीं मिला था। तो मैं लेके आया और मैं जैसे अंदर गया, मुझे भूख लगा कुछ खाने का दिखाना, और मेरे को सामने आपके सामने वो आ गया। मैंने सोचा चलो फिर ना पिज़्ज़ा बनाते और व्लॉग भी शूट हो जाएगा कुछ इंटरेस्टिंग सा, और आपको भी मज़ा आएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। देखते कैसा बना पाते हम लोग पिज़्ज़ा, अच्छा बनता है कि बुरा बनता है वो बाद में रेट कर लेंगे बनाने के बाद। पहले शुरुआत तो करते हैं बनाने की। मुँह में अभी से ही पानी आने लगे। मैं अब बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। देखा 3 बार फंबल हुआ है, तो चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम मेकिंग पिज़्ज़ा एट होम, और वो भी कैसा बनता, अच्छा बनना चाहिए, देखते चलो। सो गाइस, फाइनली बेडरूम में से मम्मी का फ़ोन लेके आ गया। मैं शूट करके नहीं दिखा पाया क्योंकि मम्मी सो रही थी, और मैं शूट करता तो मम्मी जाग जाती, इसके लिए मैं उधर लेके नहीं गया शूट, कैमरा नहीं लेके गया। चलो चलते किचन में और आपको बताते पिज़्ज़ा मोल्ड, और स्टार्ट करते यूट्यूब चालू करके, देखते और बनाते चलो। सो ये गाइस पिज़्ज़ा प्लेट इतनी सी है, मतलब आपको वीडियो में दिख रही है कि कितनी बड़ी है नहीं पता, पर इतनी सी है। पर चलो देखते बना के कैसा बनता है, इतने से इसे छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए ट्राई करते चलो। और हाँ गाइस, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं रात के 1 बजे बना रहा हूँ, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये शाम के कभी बना रहेगा और ऑलमोस्ट कोई घर पे नहीं रहेगा इसके लिए इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये जस्ट ऐसा, मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग बनने के लिए बोल रहे। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कितने बज रहे, चलो। सो ये गाइस देखो, मोबाइल में देख लो आप, 1:17 और 38:40 हो रहे हैं। मैं मोबाइल में इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में तो सही टाइम बताया गया, अगर मैं घड़ी बता दूँ तो ऐसा भी हो सकता है घड़ी। तो ये देखो टाइम 1:17 और है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पिज़्ज़ा। सो गाइस, इधर मेरा आधा पोपट होने को आ चुका है, क्योंकि मुझे पता चला है कि पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए पहले तो ड्राई ईस्ट चाहिए जो हम लोगों के पास है नहीं, और दूसरी चीज़ है कि अगर पिज़्ज़ा ड्राई ईस्ट नहीं है और दूसरे स्टेप से बना रहे हो तो 24 आवर्स उसको मैरिनेट करने के लिए रखना पड़ेगा। उतना टाइम तो अपने पास है नहीं, सुबह तक का टाइम है, और मैंने कुछ दूसरा सोचा है, अगर उसमें पिज़्ज़ा बन गया, मतलब नॉट विद पिज़्ज़ा डो, मैंने कुछ अलग सोचा है, मेरे को भी खाने का मन किया, तो मैं कुछ ना कुछ तो बना के खाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। सो ये गाइस है मैदा, मैदे को खुलने के लिए मेरे को 2 हाथ लगेंगे, पहले मैं ओपन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सो गाइस, मेरा मस्त वाला पोपट हूँ, मेरे को लगा कि मैदा निकलते हुए मैंने शूट किया, पर नहीं, गलत फैमिली में था, मैंने शूट का बटन स्टार्ट ही नहीं किया था। सॉल्ट भी डालना है, मैं मेरे हिसाब से इतना ही डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे गाइस, मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, मैंने सब चीज़ निकालनी थी इसके लिए, तो यहाँ पे मैंने कर्ड, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, रात जो जो इन्ग्रीडियंट चाहिए थे वो मिक्स कर दिए, मतलब डाल दिए, और अभी शुगर डालना बाकी, तो शुगर डाल देता हूँ, उसके बाद मिक्स कर लेते हैं अपन ठीक से। फाइनली गाइस कुछ तो हो रहा है, क्या पता नहीं क्या क्या ही मिक्स कर दिया और क्या कुछ, मतलब देख के मिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे को ना बेसन और मैदा में फ़र्क नहीं पता है। और मैंने ना ये देखो ये कर दिया है, और अभी ना ये डो येलो कलर का बन रहा है, और मुझे चाहिए था वाइट कलर का। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो हाँ गाइस, पीछे आपको ओवन खुला देख ही रहा होगा, मैंने ना डो मिक्स किया और बनाया था,
और है ना, मैंने थोड़ा सा पार्ट बना हुआ था ट्राई करने के लिए, इतना सा पार्ट रोल किया और बेलन में रखा रोल करके, फिर पिज़्ज़ा प्लेट में रखा, तेल लगा और रखा थोड़े टाइम के लिए, एक मिनट के लिए, कि ये फूकता है कि नहीं अपना डो, मतलब रेडी हुआ है कि नहीं फूकेगा तो। एंड फ्लॉप थोड़ा थोड़ा टेस्ट अच्छा आ रहा है और इसमें थोड़े थोड़े शुगर दिखे, शुगर डालने थोड़ी थोड़ी दिख रही, पर नहीं उतना भी ख़राब नहीं है, अपनी ट्राई अच्छी जा रही। तो चलो कितनी ट्राई तक अपन कह सकते हैं, देखते हैं, मैं आपको दिखा तो कितना डो मैंने रेडी किया है। हाँ गाइस, आपको दिख रहा रहेगा येलो, ये आप बोलोगे कि येलो कलर का पिज़्ज़ा किधर होता है, पर मेरे को नहीं पता, मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा था तो उसमें भी येलो कलर तो नहीं था, बट ये ना मेरे से गलती से क्या पता येलो कलर कैसे बन गया, तो अभी बन ही गया है और वो अच्छा भी लग रहा है थोड़ा, तो अभी ज़्यादा टाइम रखेंगे तो पता चलेगा कितने टाइम रखना है, उसके बाद अपन देखते हैं। तो चलो इसको थोड़ा और टाइम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद ये रही प्लेट, इस पर एक बार ट्राई करें, इतना जितना पार्ट दिख रहा है, बहुत मस्त बना और टेस्ट अच्छा, एक ही मिनट के लिए रखा था तो फूक भी गया था वो और अच्छा भी, तो अपने ऐसे ही नहीं बनाने वाले, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस वो सब लगा के, टमाटर वमाटर काट के। तो चलो वीडियो को एंड तक देखते रहो गाइस, बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलो स्टार्ट कर, मतलब चलो वापस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं जैसे तैसे करके अंदर गया बेडरूम में, और है ना मैंने रिंग लाइट भी ले ली, तो मतलब मोबाइल पकड़ के शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना रहा हूँ मैं पिज़्ज़ा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ी देर मिक्स करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रखते हैं रोल करके। चलो चलो सीरियसली बोलो ना गाइस, मेरे को ना आईफोन की बैटरीज पे, मतलब आईफोन के चार्जिंग पे इतना गुस्सा आ रहा है ना साला, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी मेरा 50% था और ऑलमोस्ट अभी ना 2 घंटे हो गए तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ 50% तक, और है ना तुरंत उतर गया, और है ना मैं आधा शूट किया, ये बेलन देख, ये देख रहे हैं ना बेलन और पार्ट बोलते कुत्ते बोलते हैं वो, इसके ऊपर मैं बेलन से ना पूरा ये बनाया सर्कल बनाया, ना तो मैंने किसी देश का नक्शा बना, ना ही मैंने सर्कल परफेक्ट भी बना, बट हाँ मेरे से जितना बना मैंने उतना बनाया। तो मैं ये पूरा शूट किया, फिर मैं इधर आके देखा, मैंने इधर मोबाइल लगा, तो मैं इधर आके देखा कि भाई कितना शूट हुआ, कैसा शूट हुआ, कैसे दिख रहा है, तब जाके मेरे को पता चला कि ये वीडियो ही बंद है। फिर मैंने खोलने की ट्राई की, तब मुझे पता चला, अरे हाँ 10% वाला भी 5 मिनट पहले आया था, और मैंने उसको मतलब चार्जिंग पे नहीं लगाया मोबाइल को, ना ही पावर बैंक, अभी जाके पावर बैंक लेके आया, लगा दिए तो अभी इसके ऊपर सब टॉपिंग्स वीपिंग्स चलते और करते, तो वो वीडियो देखो आप, वो तो देखने मिलेगा और मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा कैसे भी करके, अगर नहीं शूट कर पाया तो वापस चाहिए तो टॉपिंग्स काटूंगा, पर आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेरा वीडियो बनना चाहिए ना, और मैं आपको वीडियो बना के दिखाना तो चाहिए कि हाँ मैंने कैसे बनाया, तो देखते रहो वीडियो को एंड तक। सो गाइस अपने पास पिज़्ज़ा सॉस तो है नहीं, तो मेरे पास इनाम चोज वाला सॉस है, तो चलो यही लगाते हैं इसके ऊपर, फिर देखते हैं। चलो देखो आप वीडियो पूरा। कि मेरा पिज़्ज़ा सॉस अंदर तक जा सके इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और एक स्पून भी निकाल लेता हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर सकते हैं, सॉस स्प्रेड कर सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ दिस सॉस ये भी डालेंगे अपन थोड़ा। अरे डो के ऊपर के बाद अपन ने सब बनाया, सिर्फ डो तक नहीं आता था अपने को, और मेरे हिसाब से अगर ये डो राइट है
तो फास्टेस्ट डो भी अपन ने बना लिया पिज्जा का। सो गाइस मैं ऑनियन लेके आ चुका हूँ, ये छोटा सा ऑनियन, क्योंकि पिज़्ज़ा भी अपना छोटा ही है और ये ठीक तरीके से कट नहीं किया। मैं कट कर लेता हूँ और ऑनियन कट कर लेते हैं, फिर ऑनियन रखते हैं उसके ऊपर चीज़। नहीं, पहले ऑनियन कट करेंगे, उसके बाद ऊपर चीज़ डालेंगे, उसके बाद ऑनियन डालेंगे और उसके ऊपर भी चीज़ डालेंगे। चीज़ ही बनना चाहिए अपना पता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरे पास घर पे सिर्फ निकला है 3 चीज़ क्यूब्स और मेरे को लगा था कि मोज़रेला चीज़ रहेगा पर नहीं है, बैड लक। तो ये 3 चीज़ क्यूब अपन यूज़ करेंगे, पहले एक ऊपर ऐसे नॉर्मल यूज़ करेंगे, उसके बाद कांदा डालने के बाद दूसरा दो भर भर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत मस्त सा मैंने पिज्ज़ा के ऊपर चीज़ को सब डाल दी। मेरे को पता नहीं ढो का क्या हालत होने वाला है, अभी देखते हैं वीडियो में कि कितने टाइम रखते हैं और उसके बाद इसको रख देते हैं अंदर। पहले अंदर रखते थे, उसके बाद वीडियो देखते हैं। सो गाइस बहुत ही यम्मी यम्मी स्मेल तो आ रही है, पर उसके हिसाब से पिज्जा वैसा बनना चाहिए क्योंकि मैंने डो कुछ अलग ही बना दिया है। मैं कुछ बनाने भी अलग वाला था, कुछ लिखा भी अलग था और कुछ बना भी अलग। मेरे हिसाब से डो के वजह से टेस्ट खराब हो सकता है, बट ऊपर के इंग्रेडिएंट्स तो अपन शेफ बोलते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो देखते स्मेल आ रही है और मैंने 8 मिनट ऐसे रैंडमली रख दिया है क्योंकि 1 मिनट में डो ऐसा हो गया था, इतना मतलब इतना हो गया था, वो तो ऐसा बिस्किट जैसा था। देखते 8 मिनट बोला था और मेरे को भी ओ भाई ये क्या है, 4 मिनट में निकालना पड़ रहा
स्मेल है ना, ऐसा लग रहा है कि वो डो जल गया है। मेकिंग आउट लगे ऊपर से चीज भी देखा चल गई है, ऐसे चीज की स्मेल आ रही। ओके फाइन, तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं फिर देखते खा के। सो गाइस ऐसा कुछ बना, ऐसा लग रहा है मस्त कुछ बना है, मतलब बना के लाया था, रेडीमेड पिज्ज़ा लाया था, उसको सिर्फ वो करना था, गर्म करना था, मैंने जला दिया, वेस्ट। ये डो देख सकते हैं आप, मस्त नरम नरम बना तो था पर नीचे से ना ऐसा कच्चा निकला, कच्चा। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चीज जल गई थी, उसका गंदा सा टेस्ट मैं लग गया। सो गाइस फाइनली पिज्जा पिज्जा बन गया, खा लिया, और एकदम सड़ियल पिज्जा, वर्ल्ड का सबसे बकवास पिज्जा मैंने बनाया था, वो भी रात को 1-2 मतलब। फाइनली अभी 3:30 बज गए, टाइम देख सकते हो तक 3:30 हो गए। मैंने इतना गंदा और इतना बकवास पिज्ज़ा बनाया, मुझे भी पसंद है क्योंकि मतलब वो जो मैंने आपको छोटा वाला बताया था वो उसके टाइम के हिसाब से बराबर हो गया था, और नीचे का भी अच्छे से वो हो गया था गर्म, और ऊपर ऊपर का फुल भी आया था, तो मेरे को खाने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, पर थोड़े टाइम बाद वो भी कड़क हो गया क्योंकि मैंने मैदा यूज़ किया या क्या बोलते हैं बेसन या मैदा, दोनों में से क्या यूज़ किया मेरे को कुछ पता नहीं है। मैंने जस्ट मेरे को दिखा आटा जैसा, तो मैंने वो किया, और आई थिंक जो वो मैदा ही था, कन्फर्म नहीं हूँ मैं तो। हाँ मैं बोल रहा था कि रेट करने के लिए तो 0 रेटिंग मेरी तरफ से, 0 रेटिंग आपको रेट करने की जरूरत नहीं। लुक्स वाइज अच्छा दिख रहा था, और लुक्स वाइज बोलूँ तो मतलब उसमें क्या बोलते हैं चीज़ का लुक बहुत अच्छा दिख रहा था, और चीज़ की वजह से वो ऐसे पिज़्ज़ा और मैक्सिकन टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने मैक्सिकन टाकोज वाला सॉस डाला था उस पर, इसके लिए वो मैक्सिकन टेस्ट कर रहा था। और रेट का मैंने 0 रेटिंग दे दिया, और मैं कुछ बोल रहा था, कुछ तो बोला था पर क्या। हाँ तो गाइज, हाँ मैं जैसे आपको बोला कि मैं पिज़्ज़ा डोसे नहीं बना रहा हूँ, कुछ और ट्राई कर रहा था, तो वो मैं ट्राई कर रहा था कुलचे की, और कन्फर्म एक कुलचे का आटा भी नहीं बना रहा, क्यों, क्योंकि वो येलो कलर कैसे हो गया, मुझे वाइट कलर चाहिए था, और मेरे हिसाब से मैंने ना मैदा यूज़ किया है, बट आई थिंक वो बेसन था क्योंकि वो फुल येल्लो था, मतलब उसमें डब्बे में दिख रहा था थोड़ा वाइट दिख रहा था, पर जैसे मैंने तेल और वो सब डाल के मिक्स किया तो मेरे को पता चले तो येल्लो ही। और वो पिज़्ज़ा खाते समय मेरे मुंह में जो आटे से पकड़े थे ना यक्स, तो मैंने जैसे जैसे ऊपर का पिज़्ज़ा चीज़ वाला पार्ट खा के, वो चीज़ अपन वेस्ट नहीं करने का, चीज़ इज़ माई लव फेवरेट मेरा है चीज़, तो मैंने चीज़ वेस्ट नहीं किया, मैं ऊपर का पार्ट खा गया, और नीचे का थोड़ा थोड़ा जो जल गया था वो भी मैंने खाया, बहुत कड़वा लगा, बहुत गंदा लगा, पर हाँ चलो अच्छा था। तो ये ब्लॉग यही एंड करते, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, मिलते हैं इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ आगे, टिल देन बाय, पीस आउट।